सदियों से ये पुरुषवादी मानसिकता कायम रही है। भारत में तथाकथित संतों ने ये कहते हुए समय बिताया है कि स्त्री नरक का द्वार है, लेकिन वो पुरुषों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते। वे नारी की निंदा करते हैं, लेकिन पुरुषों के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। अगर नारी पुरुष को मोहित करती है, तो पुरुष भी तो नारी को मोहित करता है। पुरुष और नारी मानवता के दो पहलू हैं, उन्हें समान सम्मान की आवश्यकता है। लेकिन पूरा अतीत नारियों की निंदा करने में बिताया गया है। ये केवल एक बात दिखाता है और कुछ नहीं कि ये तथाकथित संत स्त्रियों से गहराई से डरते रहे। उन्हीं का कथन है जैसे कि स्त्री नरक का द्वार है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे, नारी केवल हड्डी मांस मज्जा से बनी होती है, और वह किससे बने होते हैं? सोना चांदी हीरे। ये बहुत अजीब है, एक भी तथाकथित संत ने नहीं कहा कि वह किससे बना है। और वह स्त्री से आता है, स्त्री के गर्भ से वह आता है, उसी हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ, और वह स्त्री की निंदा करता है। वह वास्तव में डरा हुआ है, अपनी स्वयं की कामुकता से डरा हुआ। डरा हुआ क्योंकि उसे बताया गया है कि सेक्स पाप है, और निश्चित रूप से उसके लिए स्त्री कामुकता का प्रतीक है। स्त्री की स्थिति के बारे में कोई नहीं सोचता। वास्तव में स्त्री यौनता के मामले में बहुत ही अग्रेसिव नहीं होती। कोई भी स्त्री किसी पुरुष का बलात्कार नहीं कर सकती, केवल एक पुरुष ही किसी स्त्री का बलात्कार कर सकता है। पुरुष की यौनता आक्रामक होती है, स्त्री की यौनता प्रतिक्रियाशील होती है। स्त्री पुरुष की तुलना में बिना सेक्स के कहीं अधिक आसानी से जी सकती है, इसलिए नंस पुरुष सन्यासियों की तुलना में कहीं अधिक सच्ची होती। लेकिन बेचारी स्त्री लगातार निंदा का शिकार होती है। इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। स्त्री का सम्मान केवल तभी होगा जब सेक्स को भी सम्मान दिया जाएगा। स्त्री को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब सेक्स को स्वाभाविक माना जाएगा। तथाकथित संतों ने स्त्री को बहुत बदनाम किया, सिर्फ अपने डर के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को बचाना है। एक नई शुरुआत की जानी चाहिए जिसमें पुरुष और स्त्री को अलग ना समझा जाए, क्योंकि वे सेक्स के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। स्त्री का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता उसकी शक्ति की पहचान है। हमें सेक्स को एक स्वाभाविक, स्वस्थ और सम्मानजनक भाव से देखने की आवश्यकता है, और हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को समान माना जाए। प्रणाम।